स्टूडेंट्स, वी शुड नो अबाउट दैट वर्क जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी हो सकती है. सो वर्क कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो. पॉजिटिव का रीज़न आप जानते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वर्क की वैल्यू पॉजिटिव कैसे होती है. स्टूडेंट्स, जब हम वर्क की वैल्यू निकालते हैं तो दो वैल्यू चाहिए अपने को, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और पॉजिटिव तब होता है वर्क जब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है. यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसी कंडीशन में, यानी कि सेम डायरेक्शन हो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, उस कंडीशन में वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होती है. और इसका रियल रीज़न देखें तो जब हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स यूज़ करते हैं एफ कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है और एस हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह रखा. कोस 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है और इसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एस, और एफ एस होता है वर्क. यानी वर्क की वैल्यू यहाँ पर क्या आई स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आई. तो वर्क विल बी पॉजिटिव इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम. तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वर्क विल बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम. हम यहाँ पर बताएंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन जो फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की सेम है ऐसी कंडीशन में ही वर्क की वैल्यू सेम होगी. ओके स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इज सेम, तो ऐसी कंडीशन में वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा. और अब हमें देखना है कि वर्क की वैल्यू नेगेटिव कैसे होती है. स्टूडेंट्स, वर्क विल बी नेगेटिव कौन सी कंडीशन में होगा ऐसा? ऐसा तभी पॉसिबल है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो. वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ऐसी कंडीशन में वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है. ऐसा कैसे स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री एंगल. तो स्टूडेंट्स, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं होती तब हम वर्क फाइंड आउट करने के लिए कंपोनेंट ऑफ फोर्स कॉस थीटा एफ कॉस थीटा यूज़ करते हैं और साथ में डिस्प्लेसमेंट एस. तो बच्चों, यहाँ कॉस थीटा की जगह हम 180 पुट करेंगे और यहाँ एस की जगह एस हो जाएगा. और कॉस 180 की वैल्यू स्टूडेंट्स -1 होती है और इसको हम एस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा माइनस एफ एस. एफ एस होता है वर्क, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा. तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो. और इसका रीज़न पता चल गया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ कॉस 180 डिग्री अप्लाई होगा और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्क की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्क की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वर्क की यूनिट, वर्क की जो यूनिट होती है ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको मेज़र कर रहे हैं. क्योंकि वर्क जो होता है बच्चों ये दो चीज़ों पर डिपेंड है, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर. तो बच्चों, अगर फोर्स की वैल्यू अपने को न्यूटन में गिवन है, फोर्स इज़ गिवन इन न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में गिवन है, तब वर्क की जो यूनिट होगी वो किस में मेज़र की जाएगी बच्चों? वो जूल में मेज़र की जाएगी. ओके,
सो हम यहाँ बता देंगे कि इफ फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर देन द यूनिट ऑफ वर्क विल बी जूल. तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इफ फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड displacement is measured in meter. displacement को हम meter में measure करते हैं. ऐसी condition में work की जो unit है वो क्या हो जाएगी, then the unit of work will be joule. ऐसी condition में हम work की unit joule use करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसा यूनिट होती है इसकी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में लिया है तो यहाँ पर ये इसकी ऐसा यूनिट है, वर्क की ऐसा यूनिट है वो हम बताएंगे जूल होती है. द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. ओके, अब अगर अपने से ये पूछा जाए कि व्हाट इज वन जूल, वन जूल वर्क की वैल्यू अगर अपने को पता करनी है तो वन जूल वर्क क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन है तो देखिए वर्क है वो डिपेंड किस पे होता है, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर. तो और ये आपस में इनका प्रोडक्ट होता है, उसी को हम वर्क बोलते हैं. हमने देखा कि जूल यूनिट कब आती है, जब फोर्स को हम किस में लेते हैं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं. मीटर में एम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन को एन से शो करते हैं. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वन न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वन मीटर है, तब उस ऑब्जेक्ट पर जो वर्क किया गया है वो वन जूल होगा. ओके, तो हम इसको डिफाइन करेंगे, इफ वन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज वन मीटर, देन द वर्क डन इज वन जूल. तो जो वर्क डन होगा वो वन जूल होगा. ओके, तो वन जूल को डिफाइन करेंगे कैसे, इफ कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वन न्यूटन फोर्स अप्लाई हो और वन मीटर डिस्प्लेसमेंट उसके थ्रू कवर किया जाए तो जो वर्क की वैल्यू है वो वन जूल होगी. स्टेटमेंट में बता देंगे, क्वेश्चन हो कि डिफाइन वन जूल, तो हम बोलेंगे कि इफ वन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज वन मीटर देन द वर्क इज वन जूल.